हाय दोस्तों, मैं कुसुम। स्वागत है आपका कुसुम रसोई में। आज हम बनाने वाले हैं कुलचे। इसे हम तवे पर और ओवन में दोनों तरीके से बनाएंगे। मगर इससे पहले, आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अपनी राय को कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। हाफ कप हम गुनगुना पानी लेंगे। पानी ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही तो ठंडा। हम इसमें उंगली डीप करें तो उंगली बर्दाश्त कर सके, बस उतना ही गर्म। इसमें 2 बड़ा चम्मच चीनी जाएगा और थोड़ा सा नमक। अब इसमें हम 2 छोटे चम्मच ईस्ट डालेंगे और इसे मिक्स करके 10 मिनट के लिए एक्टिवेट होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम 2 कप मैदा लेंगे और इसमें 2 बड़ा चम्मच दही जाएगा। इसे मिक्स करना है। ईस्ट एक्टिवेट हो चुका है। देखिए, एक्टिवेट होने पर ये ऐसा दिखेगा। अगर एक्टिवेट ना हो तो आप उस ईस्ट को यूज ना करें, नहीं तो आपका कुलचा जो है स्पंजी नहीं होगा, सॉफ्ट नहीं बनेगा। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। अब इस जगह पे हमें हाथ लगाना पड़ेगा। ये थोड़ा स्टिकी होगा, इसका डो सख्त नहीं गूंदना है हमें, थोड़ा ये सॉफ्ट डो बनेगा इसका। अब इसमें हम 2 बड़ा चम्मच ऑयल डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारा डो तैयार है। अब इसे कवर करके हम 45 मिनट्स के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे। 45 मिनट्स बाद देखिए, डो डबल हो गया है। अब इसके हम छोटे बॉल बना लेंगे। हाँ, बड़े बॉल भी बना सकते हैं। इसे हथेलियों पर घुमाते हुए चिकना बॉल बनाना है हमें। सारे बॉल को बना करके हम रख लेंगे पहले और इसे हम गीले कपड़े से कवर कर देंगे ताकि ये सूखे नहीं। एक लोई लें और थोड़ा सा बटर या फिर घी इस पर लगाएं ताकि ये चिपके नहीं। अब इस पर थोड़ा सा हम कलौंजी डालेंगे और थोड़ी सी धनिया पत्ती को डालेंगे। हल्के हाथों से दबाते हुए इसे हम बेल लेंगे। आप इसे मनचाहा शेप दें, ओवल शेप या फिर राउंड शेप, इसे थोड़ा मोटा ही बेलना है। सारे कुलचों को इसी तरह से हम बेल कर तैयार कर लेंगे। अब इसे हम कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उतनी देर में ये फूल जाएगा। हम इसे ओवन में बेक करेंगे 220 डिग्री पर प्रीहीट करके और इसे हम 6 मिनट के लिए बेक करेंगे। टाइम आपके ओवन पे डिपेंड करता है और कुलचे की साइज पर। आप टाइम सेट करें मगर बीच बीच में उसे देखते रहें, कहीं जल ना जाए। देखिए, हमारा कुलचा तैयार है। अब इस पर हम बटर लगाएंगे, बटर या फिर घी लगाएं। और घी लगाने के बाद इसे 30 सेकंड के लिए आप फिर से बेक कर सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। हमारा ओवन का कुलचा तैयार है। अब चलते हैं तवा पे बनाने। तवा को मीडियम फ्लेम पे गर्म करें और उसमें कुलचा को डालें और साइड से थोड़ा सा पानी छींटें और इसे कवर कर दें ताकि पानी की स्टीम से कुलचा जो है सॉफ्ट बने, अच्छा फूले। थोड़ी देर बाद इसे पलट दें। देखिए, ये फूल गया है। कुलचा अगर आपको सेम टाइम सर्व ना करना हो तो दोनों साइड हल्का पकाएं। जैसे इस साइड पकाए उसी तरह से दूसरी साइड भी पका करके और रख लें। जब सर्व करना हो तो फिर आप बटर लगा करके और सेक कर फिर उसे सर्व करें। इस साइड भी थोड़ा सा पानी डालकर कवर कर दें ताकि अच्छे से पक जाए। थोड़ी देर बाद जब दूसरी साइड से हल्का गुलाबी हो जाए इस तरह से, तो इस पर बटर या फिर घी लगाएं दोनों साइड से। तो हमारा कुलचा सर्व करने के लिए तैयार है। इसे छोले के साथ या फिर पनीर के साथ एंजॉय करें।